अस्सलाम वालेकुम, आज मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए चिकन समोसा रेसिपी, बेहतरीन रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, चिकन में यह है कि अलग रेसिपी होती है और बीफ का अगर गोश्त होता है तो उसकी रेसिपी अलग होती है। तो आज मैं चिकन के समोसे बना रही हूँ, बेहतरीन रेसिपी। आप देखिएगा किस तरह बना रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये मैदा चाहिए होगा, जो मैंने 3 चम्मच लेकर इसको मैंने घोल दिया है, इस तरह पेस्ट बना लिया है इस तरह में, ठीक है। और ये 3 टेबल स्पून मुझे चाहिए होगा ऑयल, और ये मुझे 3 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, और ये 8 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, नमक हसबे ज़ायका, कुटी हुई मिर्चें भी हसबे ज़ायका लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, और 1 किलो मैंने कीमा लिया है। और उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन पट्टियों की, समोसे बनाने के लिए ये पट्टियाँ हैं। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें कम से ज़्यादा सब कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी ज़्यादा ली है और कुटी हुई और काली मिर्ची भी ज़्यादा ली है, तो 1 किलो के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप और ज़्यादा क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं, नमक अपने हिसाब से लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें ये समोसे का मसाला बनाना है। ये हमने चूल्हा कर दिया है ऑन, और ये जो मैंने आपको बताया था ऑयल का, ये इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद उसमें मैं ये प्याज डाल दूँगी, अच्छा प्याज को ब्राउन नहीं करना है ना इसको ज़्यादा पकाना है, बल्कि हल्का सा कलर यही रहेगा इसका, लाइट सा बिल्कुल कलर आएगा इसमें। तो उसके बाद मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, क्योंकि इसकी प्याज समोसे की प्याज को ज़्यादा पका के नहीं है, ब्राउन नहीं करती। तो अभी आप देखिएगा 2-3 मिनट घूम कर मैं बताती हूँ उसका कैसा वो रंग जाएगा, फिर आपने इसमें कीमा और मसाले बताने। ये देखिए इस तरह हो जाए बस प्याज, ना मुझे ब्राउन करनी है ना कुछ, बस थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई किया है क्योंकि समोसों में ऐसी ही प्याज अच्छी लगती है। उसके बाद मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, इस तरह का ये जो हमारा कीमा भून रहा है साथ साथ, और ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब इसकी मैं भुनाई करूंगी, भूने में ही ये गलता रहेगा मेरे साथ साथ, भूनती भी रहूंगी और गलता भी रहेगा। फिर मैं आपको 10 मिनट बाद बताती हूँ पकने के बाद इसको फिर मुझे क्या डालना है। जब इतना ये हमारा भून रहा है ना, तो देखिए अब मैंने इसमें ये हरी मिर्च डाल दी जो आपको मैंने कटी हुई हरी मिर्च बताई थी। अच्छा, इसमें हरा धनिया पुदीना कुछ भी नहीं डलता है, बहुत से लोग हरा धनिया और पुदीना भी डाल देते हैं, तो फिर समोसे के मसाले में और सालन में फर्क ही क्या रहेंगे, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ पुदीना और हरा धनिया। और फिर प्याज हरी मिर्च जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो मसाले मैंने डाले हैं। अब इसकी मैं खूब बुनाई कर रही हूँ, बस खूब बुनाई करके और इसको फिर मैं उतार के और फिर आपको समोसा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो समोसे का कीमा बनकर तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने इसको छलनी में इसलिए रखा है कि ये ठंडा भी हो जाएगा, और दूसरा इसमें बिल्कुल जो थोड़ा सा पानी होगा या कुछ भी होगा ऑयल पानी जो भी है वो भी ऐसे दबा दबा के थोड़ा बहुत देख लें आप, अगर निकल रहा है तो ठीक है, वरना मैंने खूब इसकी भुनाई करी है, पानी हो नहीं सकता कि इसमें हो अभी, फिर भी मैंने छलनी में रख दिया है, क्योंकि जब हम समोसे बनाते हैं अगर इसमें पानी रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा तेल में पानी आ जाता है, तो उसकी वजह से बड़ी छीटी उड़ने का जलने का डर होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये तरकीब बताई है। आप इसको छन्नी में करके रखें, लाजमी इसमें से थोड़ा सा पानी ज़रूर निकलेगा। तो अब मैं आपको इसको समोसा बना के भी दिखाती हूँ इसका, कि किस तरह समोसा बनेगा, बहुत मज़ेदार कीमा तैयार हो चुका है। अच्छा, ये मैंने बताया आपको पहले भी कि ये चिकन का मैंने जो बनाया कीमा, बीफ की तरकीब दूसरी होती है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने ये देखें इस तरह किया, और इस तरह मैंने ये किया इसका कोन की तरह बना के, फिर आप इसको इस तरह मोड़ेंगे, ठीक है। ये हमने कोन की तरह बना लिया है, अब इसको मैं हाथ में लूँगी और फिर इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखें इस तरह करेंगे, और इसमें फिर हम मसाला भर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मसाला जितना भी आपको, अगर ज़्यादा बड़े चाहिए मोटे चाहिए तो थोड़ा मसाला ज़्यादा, और इस तरह इसको करके
फिर ये देखें इसको मैं इस तरह करूँगी। अच्छा ये देखें, ये मैंने दिखाया आपको इस तरह मैंने मोड़ दिया है, फिर मैं इसको इस तरह कर लूँगी। और हमारा ये हिस्सा जो बाकी बचा है इस पर मैं मैदा लगाऊँगी अच्छी तरह, ताकि ये खुले ना, और इधर भी लगा दूँगी ताकि इधर से भी चिपक जाए, इधर से भी ये चिपक जाएगा और ये इधर से भी चिपक जाएगा। ये देखें ये हमारा समोसा बनकर हो गया है तैयार, बेहतरीन। ये देखिए इसी तरह मैं सारे समोसे बना के और फिर आपको तल के दिखाती हूँ। ये मेरे बेहतरीन समोसे मज़ेदार करारे चटपटे बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से, और बेहतरीन समोसे तैयार हो चुके हैं। चलिए इंशाल्लाह रिज़वाना किचन से अल्लाह हाफिज़। समोसे खा के और बना के ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। रिज़वाना किचन की तरफ से अल्लाह हाफिज़, रमज़ान मुबारक।